आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ में हूं आज तेज खबर 24 में। इस वक्त रीवा में बमबिल्ले की खबर से जुड़ी बड़ी अपडेट रिपोर्ट है, जहां रीवा बनारस हाईवे मार्ग के मनगवा ओवरब्रिज के नीचे मिले टाइमर बम को 5 मिनट पहले ही डिफ्यूज कर दिया गया है। यहां बम के डिफ्यूज होते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन सहित लोगों ने बड़ी ही राहत की सांस ली है। वहीं बीडीएस टीम अब दूसरे बम के मिलने की सूचना के बाद दूसरी जगह के लिए रवाना हो गई है। बता दें कि आज गणतंत्र दिवस के दिन रीवा में ध्वजारोहण से पहले ही 2 अलग अलग जगहों पर बम मिलने की खबर ने जिले भर में हड़कंप मचाकर रख दिया है। यहां बम मिलने की पहली घटना रीवा के बनारस हाईवे मार्ग स्थित मनगवा ओवर ब्रिज के नीचे की है, तो वहीं दूसरी घटना मनगवा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंगेयो पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित ओवर ब्रिज की है। बता दें कि इन दोनों ही जगहों पर बम रखे जाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसकी दूरी महज 10 किलोमीटर है। हालांकि मनगवा में मिले बम को बीडीएस टीम ने फिक्स टाइम से 5 मिनट पहले ही डिफ्यूज कर दिया है, तो वहीं गंगेयो में मिले बम को महिला पुलिस अधिकारी ने अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर साहस का परिचय देते हुए उसे एक खेत में फेंक दिया और उस पर पानी डाल दिया है। अरे बना ले मुझे पेपर मुखा दे। बता दें कि रीवा में 10 किलोमीटर की दूरी पर 2 अलग अलग जगहों पर बम मिलने की इन दोनों ही घटनाओं में सबसे अहम और खास बात यह है कि इन दोनों ही जगहों पर एक ही लेटर चस्पा मिला है। यह लेटर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम है, जिसमें बम रखने वाले ने बम रखने का कारण भी लिखा है। हालांकि लेटर में जो बात लिखी गई है वह स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रही है, लेकिन जो धमकी दी गई है वह प्रयागराज पुलिस को मिली है, जिसमें कार और बस को जलाने की बात कही गई है। फिलहाल मौके पर पहुंचे रीवा के एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बम रखे होने की पुष्टि की है और उसे बम स्क्वाड की मदद से डिफ्यूज करने की बात भी कही है। नौजवान पहुंच के देखा है नीचे डिवाइस लगी हुई है, इसमें लग रहा था कि सर्किट वगैरह टूट है। डाउट हुआ कि संभावित बम हो सकता है। तत्काल इन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, वरिष्ठ अधिकारियों को द्वारा वहाँ से बी डी एस टीम को भेज दिया गया। आर एस पी साहब हमारे एडी साहब के द्वारा उसको अपने सर्विलेंस में ले लिया गया और इसमें तत्परता से जो कार्रवाई बन सकती थी वो कार्रवाई कराई गई। बी डी एस टीम ने यहाँ आकर बड़े एहतियात के तहत जो भी कार्रवाई उसको डिफ्यूज करने के लिए की जानी थी उन्होंने लक्ष्य इसको डिफ्यूज किया, अपनी जान को खतरे में डाल के, और इसके बाद वो बम डिफ्यूज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई किसने किया है, कैसे किया गया है, कौन है इसके पीछे, उसके बारे में पुलिस पतासाजी कर रही है। उसमें चेतावनी लिखी हुई थी कागज में, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कैसे क्या लिखा, उसके बारे में पता कर रहे हैं अभी कि उसमें क्या 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 लिखावट में क्या लिखा हुआ है। चीज़ों देखने के बाद पुलिस उसके बारे में जाँच पड़ताल करके आवश्यक कार्रवाई करेगी। हालांकि यह कायराना हरकत किसी असामाजिक तत्व की मानी जा रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि बम किसने रखा है और बम रखने के पीछे उसका क्या मकसद है। तो इस वक्त देश खबर 24 रीवा में बम मिलने की खबर से जुड़ी हुई हर छोटी और बड़ी अपडेट खबर आप तक लगातार पहुंचा रहा है। आप घटना स्थल से जुड़ी इन लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि रीवा के मनगवा और गंगेयो चौकी क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर टाइमर बम रखे होने की सूचना के बाद पुलिस बल और बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची है। मौके पर मौजूद पुलिस ने हाईवे मार्ग के आवागमन को बाधित कर दिया है और भीड़ पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं बम निरोधक दस्ता बमों को डिफ्यूज कर रहा है। फिलहाल मनगवा में मिले बम को 5 मिनट रहते डिफ्यूज कर लिया गया है, जिसके बाद अब बीडीएस टीम गंगेयो के लिए रवाना हो चुकी है। हालांकि गंगेयो पुलिस ने साहस दिखाते हुए बम को पहले ही खेत में फेंक दिया है और उस पर पानी डाल दिया है।
सेट किया होगा तो मिल जाएंगे यार। बताया जा रहा है कि बम मिलने की दोनों ही जगहों की दूरी महज 10 किलोमीटर है, जिसके अंदर दो अलग अलग जगहों पर बम मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दोनों जगहों पर बम के साथ साथ एक धमकी भरा लेटर भी चस्पा मिला है। यह लेटर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के नाम है। फिलहाल बमों के मिलने के बाद पुलिस अब बम रखने वाले का पता लगाने में जुट गई है। इधर मामले में रीवा जोन एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव ने बमों को खाली डिब्बा बताया है, जिसका परीक्षण कराए जाने की बात उन्होंने कही है। एडीजी ने इस घटना को किसी असामाजिक तत्व की हरकत बताया है, जिसकी पतासाजी के लिए टीम गठित कर जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का दावा किया है। एडीजी ने दावा किया है कि जल्द ही दहशत फैलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके लिए टीम भी गठित कर दी गई है। ये सुहागिन द्वारा मनगांव में एक बम मिलने की सूचना मिली है क्या? आज सवेरे पता चला था कि मगर हमारा बीडीएस टीम वहां पहुंची है और उसको डिफ्यूज कर दिया है। उसमें कुछ खाली है, कुछ खास नहीं मिला है। कोई बदमाशी कर रहा है उसको शीघ्र पकड़ लेंगे हम तुरंत। सुहागी में भी मिला था जिसमें डेटा बस नहीं था, बाकी पूरा तैयार बम था वो। हाँ, वो खाली डब्बा है, कुछ नहीं उसमें। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव उत्तर चुनाव में हो रहा है, लिखा भी है उसमें कि उससे रिलेटेड है। हाँ, अपने जिले से रिलेटेड है। सर एक खत भी मिला जिसमें योगी आदित्यनाथ, हाँ उनके बारे में लिखा है। वो यूपी पुलिस के साथ मिलकर काम करे, वहाँ के डीआईजी एडीजी से बात कर रहे हैं। यहाँ टीम बनाया हम लोगों ने, स्पेशल टीम, तो वहाँ जाके हम लोग उसमें विवेचना करेंगे, शीघ्र पकड़ लेंगे उसको। आपको बता दें कि रीवा में एक सप्ताह में बम मिलने की यह दूसरी बड़ी घटना है, जहां सुहागी के बाद एक ही दिन में दो अलग अलग जगहों पर मनगवा और गगेव में बम मिलने की सूचना से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बमों के मिलने की खबर के बाद राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों ने भी इसे संज्ञान में ले लिया है और मामले की पड़ताल कर रही है। तो ऐसी रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण से पहले हाईवे मार्ग पर दो अलग अलग जगहों पर टाइमर बमों के रखे होने की सूचना से आज जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। बाहर होते हैं क्यों सीधे उत्तराए थे आलम सर पंजाब को।